हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तरण रस्तोगी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक लेक्सेटिव मेडिसिन के बारे में, जो कि होम्योपैथिक की ही मेडिसिन है। बैक्सन कंपनी के द्वारा बनाई गई एक पेटेंट प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लेक्सेटिव मेडिसिन होती है ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, और हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका उपयोग हम एज ए लेक्सेटिव के तौर पे करते हैं, और उस होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन बनी हुई है, और क्या उसकी डोज होती है, और उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, लेक्सेटिव मेडिसिन क्या होती है? जो लेक्सेटिव मेडिसिन होती है उनका काम होता है कि वो हमारे बाउल मूवमेंट, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, उनको बढ़ा देती है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो खाना हमारा स्टमक में जाता है, वहां पे उसका डाइजेशन होता है, फिर वो इंटेस्टाइन के थ्रू यानी कि हमारी आंत में जाता है, और आंत के रास्ते से फिर वो हमारे रेक्टम यानी मल द्वार से वो हमारे बाहर निकल जाता है। मगर कुछ भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा जो खाना डाइजेस्ट हो गया था, जो भी न्यूट्रिशन वाली चीजें थी वो तो हमारे ब्लड के अंदर चली गई, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर ही जमा होने लग जाता है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है। अब क्या कारण हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसकी ना मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो खाना हमारा इंटेस्टाइन के अंदर होता है यानी हमारी आंत के अंदर जो खाना होता है वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। जब आंत के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाता है तो वो खाना आगे नहीं बढ़ पाता है। अब हम ऐसे लेक्सेटिव मेडिसिन का उपयोग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी आंतों का मूवमेंट होता है जिसे हम पैरास्टेटिक मूवमेंट भी कहते हैं, उस मूवमेंट को वो इंक्रीज कर देती है, यानी वो मूवमेंट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो हमारा खाना होता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होम्योपैथी के अंदर लक्सेट ऐड करके ये मेडिसिन है, जिसे लक्सेटिव मेडिसिन है ये, और ये वैक्सीन कंपनी के द्वारा बनाया गया एक पेटेंट मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इस मेडिसिन का उपयोग तब किया जाता है जब हमारा जो खाना है हमें मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, और जो खाना है बहुत समय तक पेट में ही रहता है, तो पेट के नीचे वाले हिस्से में भारीपन हो जाता है, भूख नहीं लगती है, एसिडिटी, डकार और पेट में गैस बनना, ये सारी शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं, तब हम इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेडिसिन है, लेक्सेट ऐड करके ये मेडिसिन आती है, और इस मेडिसिन के अंदर आपको बताती हूँ कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। इस मेडिसिन के अंदर एक तो सेना करके मेडिसिन है और दूसरी है चिबुला टर्मिनालिस, ये दो मेडिसिन है जो इसके अंदर मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या इंडिकेशन है कि हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको वो बताती हूँ। एक तो रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, आपको अगर कब्ज की शिकायत हो गई है या फिर आपको लैट्रिन बावर करनी पड़ती हो, तब हम इसको मेडिसिन को ले सकते हैं। दूसरा, अगर इरेगुलर बावल हो रहे हो, यानी कि आपके जो मूवमेंट्स हैं वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो भी हम इसको ले सकते हैं। और दूसरी है कि आपका जो डाइजेशन है उसे इम्प्रूव करेगी। और इसकी फ्रेंड्स, ये तो इसका हुआ इंडिकेशन कि हम कब कब इसका यूज कर सकते हैं। अब दूसरा, मैं आपको इसकी डोजेस बता देती हूँ कि इसकी डोजेस कैसे आपको लेनी है। अगर आप एडल्ट हैं तो एडल्ट को 2 टैबलेट लेनी है एट बेड टाइम, यानी आप जब सोने जाते हैं उस समय 2 टैबलेट आपको इसकी खानी है, और सुबह उठते ही आपको हल्के हल्के से 2-3 बार के लूज मोशन हो जाएंगे, उससे आपका पेट जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब चिल्ड्रन के अंदर कैसी डोज लेनी है? चिल्ड्रन के अंदर 1 टैबलेट लेनी है एट बेड टाइम, रात को सोते समय 1 टैबलेट बच्चे को लेनी है। तो सेम ही बच्चे को भी थोड़े बहुत लूज मोशन होंगे, मगर जो कब्ज जैसा जो हार्ड स्टूल आ रहा था उससे उसे छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वैक्सन करके प्रोडक्ट है, वैक्सन की जो मेडिसिन है ये काफी अच्छी यूजफुल मेडिसिन है। इसका पर्सनली उपयोग किया गया है,
और जो पेशेंट आते हैं कहते हैं कि कब्ज ठीक नहीं हो पा रही है, मैं चाहता हूँ कि मुझे दस्त हो जाए, इस टाइप के पेशेंट आते हैं, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर कौन, अब मैं बताती हूँ कि इसके अंदर कितने टैबलेट्स आती हैं। इस डिब्बी के अंदर 30 टैबलेट्स आती हैं और इन 30 टैबलेट्स की जो MRP है ओनली 50 रुपीज है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है, ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज से मैंने आपको बताया है। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।